हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, बहुत तेज मतलब हवा चल रही है और ठंडी भी है। तो दोस्तों, आज दिखाते हैं कि आज हमारे घर में क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों, मैं नहा धोकर देखो रेडी, आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखो धूप भी अब अच्छे से निकल आई है। देखो मम्मी पूजा कर रही हैं। तो संक्रांति का त्यौहार मतलब कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोगों ने कल मनाई, तो हम लोग तो आज मना रहे हैं। तो आज मतलब सभी के यहाँ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बनती है खाने के लिए। तो हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ आज बढ़िया टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनी। मम्मी ने तिल के लड्डू बनाए और कुछ मिठाई बनाई है। और दोपहर में भी कुछ अच्छा, मतलब सुबह के टाइम हमारे यहाँ सुबह के टाइम मतलब मंगोड़े, यहाँ ग्वालियर साइड में सुबह के टाइम मतलब मंगोड़े वगैरह बनाए जाते हैं, मूंग दाल के, है ना, मूंग दाल के मंगोड़े बनाए जाते हैं। तो अभी मम्मी मूंग दाल के मंगोड़े बनाएंगी। तो दोस्तों देखिए, मम्मी मूंग दाल की मंगोड़े निकाल रही हैं। देखिए तो मम्मी, इसमें दाल में क्या क्या मिलाया है? दाल में मैंने इसमें प्याज डाली, हरी मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा अदरक दिया था स्वाद अनुसार, नमक, थोड़ी सी हींग और इसमें मैं थोड़ा सा बेसन मिलाया। तिल के खादी, देखो ये तिल के लड्डू हैं और ये तिल की मिठाई है, बर्फी। ये देखो और भी बनाए, ये तिल के लड्डू। और आज हम लोग दोपहर में छोले भटूरे बनाने वाले हैं। देखो गर्मा गर्म मंगोड़े सीख गए हैं और मैंने चटनी पहले से बना के रख ली है। दोस्तों देखो, शाम का टाइम हो गया है और मम्मी छोले भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हैं। तो सब्जी तो आधे से आधा बन गई है हमारी। देखो आधे से आधा बन चुकी है और भटूरी का भी आटा हम लोगों ने पहले से लगा के रख दिया था दोपहर में 2 घंटे पहले, जैसे कि अच्छे से फूल जाए। पर दोपहर में हम लोगों ने सोचा था कि दोपहर में बनाएंगे छोले भटूरे, पर दोपहर में नहीं बना पाए क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया तो हम लोग को कहीं जाना भी था, तो दोपहर में नहीं बना पाए। तो अब शाम के टाइम बना रहे हैं। तो ये मम्मी बना रही हैं भटूरे, अच्छे बनाओ मोटे मोटे थोड़े। तेल गर्म में डालो, तेल मतलब जब तक अच्छे से गर्म नहीं हो जब तक मतलब भटूरे नहीं डाली क्योंकि वो फूलते नहीं है अच्छे से। फिर तो तेल चेक कर लो मत कर। देखो दोस्तों, भटूरा मतलब अच्छे से नहीं फूला है पहला भटूरा। तो अब देखते हैं, तो अच्छा थोड़ा मोटी लोई का बना के देखते हैं तो फूलता है कि नहीं। देखो कितना बढ़िया मतलब भटूरा फूला है एकदम मतलब होटल जैसा एकदम बढ़िया है।